सब ये सोचते हैं कि हीरो वो होता है जो जीतता है, हीरो वो होता है जो हारता है। सिर्फ उसका नाम पता है क्योंकि वही जानता है जीतने की असली वैल्यू। सलमान खान कहां और कैसे हुए वायरल? कौन से लुक में नजर आए सलमान खान? किस रंग की कॉस्ट्यूम हुई वायरल? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। दोस्तों, सलमान खान बॉलीवुड में ना सबसे ज्यादा फीस लेने वाले अभिनेताओं में से एक है। 30 साल से अधिक के करियर के साथ उन्होंने अपनी जगह इंडस्ट्री में काफी खास बनाई है और आज तक टाइगर जिंदा है, दबंग और बजरंगी भाईजान जैसी कई सफल फिल्में दी है। 56 साल के एक्टर को उनकी आगामी फिल्म किसी का भाई किसी की जान के सेट के बाहर देखा गया और उनकी कॉस्ट्यूम ने ना इंटरनेट पर आग ही लगा दी। दोस्तों, आपको बता दें कि बुधवार देर शाम सलमान खान अपने जेड प्लस सिक्योरिटी गार्ड के साथ किसी का भाई किसी की जान के सेट के बाहर देखे गए। अभिनेता जैसे ही अपनी कार की ओर बढ़ रहे थे, उन्हें काले रंग की बनियान के साथ काली लुंगी पहने देखा गया। इस पिक्चर ने इंटरनेट पर आग लगा दी है। दोस्तों, उनके कंधे की मांसपेशियों और फिजिक को देखकर कुछ फैंस गदगद हो रहे हैं। आपको बता दें कि ये फिल्म फरहाद सामजी द्वारा निर्देशित और सलमान खान फिल्म्स द्वारा निर्मित है। फिल्म में सलमान खान मुख्य भूमिका में है। फिल्म में वेंकटेश, पूजा हेगड़े और जगपति बाबू नाम के कलाकार भी होंगे। साथ ही ये फिल्म टेलीविजन स्टार शहनाज गिल का बॉलीवुड डेब्यू फिल्म होने वाला है। आपको बता दें कि ये फिल्म 2023 में रिलीज होने वाली है। बाद में सलमान खान फिल्म टाइगर 3 में नजर आएंगे। इस फिल्म में सलमान के साथ एक्ट्रेस कैटरीना कैफ मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। ये फिल्म अगले साल दिवाली पर सिनेमाघरों में आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तो आप सलमान की आने वाली फिल्मों के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सेफ रहिए और जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।